सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आप न्यूज चैनल मिस्टर सैम फैक्ट। हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पे एक न्यू वैकेंसी आई है ESICSSO रिक्वायरमेंट 2022। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर जान गए होंगे तो ESIC का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके पहले भी ESI की वैकेंसी निकली थी, लेकिन ये दूसरी पोस्ट की वो LDC की निकली थी। ये जो है SSO पोस्ट, मतलब कि इसमें जो है आपका सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है, मैनेजर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है एंड सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आ रखी है। तो कंप्लीट डिटेल वीडियो में ऑल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करते हैं ESIC वैकेंसी की। तो स्टार्टिंग डेट जो है आपका 12 मार्च 2022 से है। 12 मार्च से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट जो आपका होने वाला है वो है 12 अप्रैल 2022, मतलब लास्ट डेट। टोटल आपको 30 दिन फॉर्म फिलअप के लिए मिलने वाला है। फी पेमेंट का भी लास्ट डेट जो है आपका 12 अप्रैल 2022 ही है। चलिए बात करते हैं फीस, एप्लीकेशन फी कितना लग रहा है इसमें चार्जेस। तो जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए जो है ₹500 चार्ज यहाँ पे किया जा रहा है। बाकी वहीं यदि आप SC, ST और हैंडीकैप हो तो आपसे ₹250 पेमेंट यहाँ पे लिया जा रहा है। जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो जॉब लोकेशन आपका ऑल ओवर इंडिया है, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो ऑल ओवर इंडिया आपकी यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। चलिए साथ ही बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट इसमें कितना लिया जा रहा है, तो एज लिमिट जो आपका काउंट किया जा रहा है वो है 12 अप्रैल 2022 से। तो 12 अप्रैल 2022 से काउंट किया जा रहा है। मिनिमम जो आपका एज है वो 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपका 27 ईयर्स, मतलब 27 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जनरल वाले। यदि आप OBC हो तो आपको 3 ईयर्स का छूट मिल जाएगा, मतलब 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो OBC वाले। SC ST हो तो आपको 5 ईयर्स का छूट मिल जाएगा, मतलब आपको 32 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं फॉर SC और ST। और यदि आप हैंडीकैप हो तो हैंडीकैप में आपको 10 साल का छूट मिल जाएगा, मतलब टोटल 37 साल तक के कैंडिडेट हैंडीकैप वाले अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 93 सीट ही यहाँ पे दे रखा है ऑल ओवर इंडिया, जिसमें कि जनरल के लिए जो है 43 सीट है, OBC के लिए 24 सीट है, EWS के लिए 9 सीट है, SC के लिए 9 सीट है और ST के लिए 8 सीट यहाँ पे दे रखा है। चलिए बात करते हैं अब क्वालिफिकेशन की कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो क्वालिफिकेशन तो कैंडिडेट हु है बैचलर डिग्री और फिनिशिंग, मतलब यदि आप BA, BSc, BCom या किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हो या ग्रेजुएट हो तो आप सिंपली आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। लेकिन साथ ही नॉलेज, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग ऑफिस सूट्स एंड डाटाबेस, मतलब आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का ऑफिशियल कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें जो है सबसे पहले तो आपका प्री एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा, देन ये दोनों क्वालिफाई करते हो तो आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। ऑलमोस्ट जो है आपका साइट ओपन हो चुका है, आप लोग आज से ही अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को। चलिए और कुछ डिटेल इसमें है अगर तो वो भी मैं बता देता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं सैलरी की। तो आपको लेवल 7 पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है, जिसमें 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक की सैलरी आपकी यहाँ पे बनने वाली है। ओके चलिए, एज मैंने बता दिया और फीस भी मैंने बता दिया कि कितना इसमें फीस लग रहा है। और इसमें आपका इंक्लूडिंग होगा, फोटो होगा, सिग्नेचर होगा, लेफ्ट थंब लगेगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन एक लगता है वो उसमें आपको देना पड़ेगा जब ये फॉर्म फिलअप करवाने जाओगे। एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है आपका लोकल ही वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे अगर बिहार से हो तो पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, जो भी है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है इसका। चलिए बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि क्या क्या आपका पूछा जाएगा। तो जो प्री एग्जामिनेशन लिया जाएगा वो 100 मार्क्स का होगा और 100 नंबर्स का होगा, जो कि आपका 1 घंटे का पेपर होने वाला है इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ का। बात कर लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन का, जो आपका फेज 2 होगा। तो मेंस एग्जामिनेशन में आपका रीजनिंग पूछा जाएगा 40 क्वेश्चन 60 नंबर का, 40 क्वेश्चन आपका फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस से क्वेश्चन होगा 40 नंबर्स का, 30 क्वेश्चन होगा इंग्लिश का 30 नंबर का एंड क्वान्टिटिव एपेटिव टेस्ट, मतलब मैथ होगा 40 क्वेश्चन होगा 60 मिनट का, मतलब आपको टोटल 200 मार्क्स का नंबर होगा और 2 घंटा आपको यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। जो फेज 3 एग्जामिनेशन होगा वो आपका कंप्यूटर स्किल एंड डिस्क्रिप्टिव का होने वाला है, जिसमें कि आपका 2 पावर पॉइंट
पॉइंट स्लाइड बनाना है, 10 नंबर का पूछा जाएगा। टाइपिंग मैटर्स एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग रहेगा, वो 20 मार्क्स का रहेगा। प्रिपरेशन ऑफ टेबल एंड एमएस एक्सेल विथ यूज फार्मूला, फार्मूला के साथ आपको एमएस एक्सेल वहाँ पे पूछा जाएगा, 20 नंबर का वो होगा। उसी में जो आपका बी होगा, बी टेस्ट, वो डिस्क्रिप्टिव होगा, 2 क्वेश्चन होगा, 50 नंबर का, 30 मिनट आपको मिलेगा, लेकिन वर्जन आपका इंग्लिश में होगा। इंग्लिश में आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है, जो भी आपको ऐसे लेटर जो भी लिखवाया जाएगा वहाँ पे। ये हो गया। चलिए अब इसके बाद जो है आपका फाइनली इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए बाय बाय एंड थैंक यू।